नमस्कार, मैं ऋतु ठाकुर आपका स्वागत कर रही हूँ मेरे चैनल sunrisecrystal.com में। और आज मैं आपको सूजी की गुजिया बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सूजी की गुजिया बनाना। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। तो यहाँ सबसे पहले हमने 1.5 कप मैदा लिया है, 1 कप पानी चाहिए, ऑयल चाहिए, 1 कप डेसिकेटेड नारियल, 150 ग्राम हमने यहाँ पर मावा लिया है, पाउडर शुगर 1 कप, 1 बड़ा चम्मच सूजी, काजू और बादाम कट करके और 1 चम्मच देसी घी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डो तैयार कर रहे हैं। तो डो तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ की चम्मच सूजी की ऐड करूँगी। इसमें ऑयल डाल रही हूँ, तो 4 चम्मच हम ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके हम यहाँ पर सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो पानी डाल रही हूँ अभी मैं, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। ध्यान रहे पतला नहीं होना चाहिए हमारा डो बिल्कुल भी। तो जो डो है वो हमारा परफेक्ट तैयार हो चुका है, ढककर रखेंगे इसे। तो अब मैं मावा को रोस्ट करूँगी यहाँ पर सबसे पहले। तो आप कच्चे मावे से भी बना सकते हैं, लेकिन जो कच्चे मावे से गुजिया बनाएंगे वो आप सिर्फ 3 से 4 दिन ही रखकर खाएं। तो बस मावा रोस्ट हो चुका है, तो उसके बाद सेम पैन में मैं सूजी को भी रोस्ट कर लूँगी। सूजी को रोस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर घी भी ऐड करूँगी अभी। तो घी ऐड करें, सूजी जो है वो हमारी रोस्ट हो चुकी है अभी। तो बस इसे ठंडा करके हम फिर हमारा जो मिश्रण हम वो तैयार करेंगे। तो अब हम स्टफिंग तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। इसके लिए हम एक बड़े बर्तन में मावा डाल रहे हैं और मावा के साथ में हम डेसिकेटेड नारियल, काजू और बादाम 1 चम्मच लिए हैं मैंने, पाउडर शुगर, पाउडर शुगर आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ करें कम या ज़्यादा, और सूजी। तो अभी सूजी और मावा को ठंडा करके ही यूज़ करें, ध्यान रखें इस बात का। तो अब हाथों से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मैदे का घोल बनाया है और हमें मशीन चाहिए गुजिया बनाने के लिए। डो लिया है और स्टफिंग लिया है, तो सभी सामान हमने रख लिया है पास में ही। तो अभी हम डो बॉल बनाएंगे और यहाँ पर रोटी बना रहे हैं। तो रोटी की शेप ज़रूरी नहीं है कि गोल होनी चाहिए, बस पतली होनी चाहिए वो। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी रोटी बनकर तैयार हुई है। थोड़ा मैं डस्ट करूँगी मशीन को मैदे से, सूखे मैदे से। देखिए ऐसे करके हम मशीन के ऊपर रोटी को रखेंगे और अब हम स्टफिंग रख रहे हैं इसमें। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच स्टफिंग रख ली है और अब हम जो घोल है उसको ऐसे किनारे पर लगाएंगे और अब मशीन को हम बंद कर देंगे। तो घोल बनाने के लिए 1 चम्मच मैदा लिया था और पानी हम अपने अकॉर्डिंग, ठीक घोल होना चाहिए हमारा, बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए। तो मशीन को अच्छे से बंद करें, बिल्कुल अच्छे से प्रेस करें, देखिए किनारे से, और जो हमारी गुंजिया है वो बनकर तैयार है। तो इसे प्लेट में रख लेंगे हम गुंजिया को। तो सभी गुंजिया हम ऐसे ही तैयार करेंगे। तो गुंजिया हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब ऑयल गर्म है, चेक कर लेते हैं, निकाल रही हूँ मैं इसे। तो अब हम जो गुंजिया है उसे डाल रहे हैं। तो जो गुंजिया ऑयल में डाल रहे हैं उसे ध्यान से ही डालिए, कहीं आपका हाथ जल ना जाए। तो फ्लेम जो है वो मीडियम कर देंगे। बस इन्हें अच्छे से फ्राई होने तक हम ऑयल में ही फ्राई करते रहेंगे। तो देखिए जो हमारी गुंजिया है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, लेयर आ गई है गोल्डन ब्राउन कलर की। तो अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल रही हूँ। तो हमारी सूजी की गुजिया बनकर तैयार हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।